टुडे वी विल बी डूइंग इंडिसेस बेटा, ये CBSE में भी है, ICSE में कुछ टफ से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। CBSE में बहुत कम क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 1.6 जो है आपका, ठीक है बेटा। ये ICSE में भी है तो कॉमन टॉपिक है CBSE और ICSE में, तो मैं चाहता हूँ एक नज़र आप मार लीजिए। क्वेश्चन हैं इस टाइप के, क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व करूँगा आपके लिए बेटा, ठीक है। तो इसमें बेसिक से हम आपको प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है और इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग ये ML अग्रवाल की बुक में है चैप्टर 8 और CBSE में 1.5 1.6 ये वाला चैप्टर है आपका। तो पहला क्वेश्चन है इसका 81 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 4। 81 का क्या निकालेंगे फैक्टर, 81 का फैक्टर निकालेंगे तो निकलेगा आपका 327 39 33 31, तो 3 के 4 निकलेंगे, और 16 का निकालेंगे तो भी 2 का 4 निकलेगा -3/4। 3 2 4 कॉमन है, 4 बाहर आ गया पावर -3/4 गेट कैंसिल। जब ये नेगेटिव होता है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 2 पर जाएगा, 3 नीचे और पावर क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो 2 का क्यूब होगा 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 27। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा, अलग अलग टाइप के, वन मैंने कर दिया, अब आपका सेकंड पार्ट वैसे ही है। सेकंड वाला है 2a - 3b²³। ध्यान से देखेंगे ये 2 का क्यूब है, ये पावर, ये ब्रैकेट ऐसे लग रखी है, बाहर 3 है, 2 का पावर 3, a 3 3 जा -9, बी 2 3 जा 6। आंसर आपने प्लस में लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है बेटा, तो 2 का क्यूब 8, बी का पावर 6, ए का पावर -9, नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका प्लस में हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया, 2 का बी पार्ट, बी पार्ट ए -1 प्लस बी -1, ए बी -1। ध्यान से देखते जाइए, ए का -1 है, पावर पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल, इसको पॉजिटिव बनाना है 1/b, ए बी -1 इसका बनाएंगे रेसिप्रोकल करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब ए और बी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी आएगा, ए इंटू बी, बी प्लस ए, 1/ab, ये हो गया हमारा बी प्लस ए, ए बी। देखो ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड, क्या कर रहा है इसको डिवाइड, कायदे से ऐसा है बी प्लस ए, ए बी ये डिवाइड हो रहा है। अब ये डिवाइड हो गया तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी ऊपर हो जाएगा 1, ए बी, ए बी गेट कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए प्लस बी। तो ये फर्स्ट कर दिया मैंने, सेकंड के दोनों पार्ट कर दिए, ठीक है दोनों पार्ट कर दिए। थर्ड का पार्ट फर्स्ट इजी है, ठीक है मैं थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं इसका, 4 × 10⁻⁷ ब्रैकेट 1, 6 × 10⁻⁵ अपॉन 8 × 10⁻¹। ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना सा मल्टीप्लाई है, 4 × 6 = 24, 10⁻⁷ 10⁻⁵, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो इसके पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, नीचे हो गया 8 × 10⁻¹। देखो 24 को 8 से डिवाइड करा, 3, 10 ये बचा हुआ है 7 - 5 प्लस 10 ऊपर आ करके -10, 5 और 10 = 15, 7 में से 15 गया तो क्या आएगा -8, क्योंकि ये माइनस है इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको कहाँ लिया होगा, नीचे तो ऊपर का ऊपर रहेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो क्या नीचे ले आया, ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे। अब फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट, 5 to the power 0 × 4 to the power -1 प्लस 8 1/3। ध्यान से समझते जाइए, खेल बहुत आसान है, एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू 1। ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बोला रेसिप्रोकल, 8 का मतलब 2 का क्यूब 1/3 के कैंसिल, ये 1/4 ये 2 आ गया, एलसीएम 4 1 1 4 4 2 4 8, आंसर आ गया आपका 9/4। ऐसे करके आप इनको करते जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ का सेकंड पार्ट, इवन क्लास 8 के बच्चों को भी आना चाहिए, 0.027 एक टॉपिक है एक्सपोनेंट,
सेवन्थ में भी आता है ICICI में, तो करिए अब यहाँ देखो 27 नीचे हमने लगा दिया 30 क्या लिखा हमने 1000 - 1/3 आपको पता होना चाहिए 27 3 का क्यूब होता है 1010 का होता है 3/10 का क्यूब पावर -1/3 3 गेट कैंसिल अब 3/10 टू द पावर -1 अब ये -1 इसको पॉजिटिव बनाने तो 10 ऊपर 3 नीचे करेंगे आंसर आएगा 3/1/3 ऐसे करके इन क्वेश्चंस को आप आराम से करते जाइए बिना टेंशन के और मैं सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन्थ के पास जो भी आपको नहीं समझ आता है जिसको कुछ डाउट है मैंने अपना नंबर आपको दे रखा है 8899151013 कमेंट करिए पूछिए ठीक है हम आपको सब बताएंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 27 2/3 इंटू 8 माइनस 1/6 खाली NCERT से काम नहीं चलेगा ठीक है जितने बच्चे बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं आपको पता है कि स्कूल की मैम NCERT से कितने क्वेश्चन पूछती है और NCERT के बाहर कितने तो आप रेडी करिए ठीक है वैसे भी दिमाग चलाना है दिमाग के लिए पढ़ना है बुक के 10 क्वेश्चन रट के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ देखो बेटा 27 हो गया आपका 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब ये 2/3 8 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 1/6 ठीक है यहाँ नीचे लिख रखा 18 क्या लिख रखा है 18 अब 18 में क्या करेंगे बेटा 18 का मतलब होता है 2 × 3 × 3 18 हो गया आपका यहाँ देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 3 का पावर 2n 3 × 1 = 3 × 3 = 6 2 का पावर माइनस n/2 अब नीचे अगर आप देख रहे हैं तो 2 का 1 है और 3 का 2 है देखो मैं इसका एक स्टेप और आगे करता हूँ ऊपर वाला हो गया आपका 3 2n × 2 - n/2 नीचे देखो 2 1 है और 3 का 2 है ब्रैकेट बंद बिल्कुल ब्रैकेट का खेल ध्यान रखिए 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ गया -n/2 3 आ गया 3 × 2 × 2 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × -n/2 अब अगर आप देखोगे ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस इसलिए 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया ये ऊपर 3 का पावर 2n नीचे 3 का पावर -n ये 2n है माइनस n ऊपर आके प्लस n ये हो गया 3 का पावर 3n इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस आपने करना है जितना करोगे उतना समझ आएगा नहीं पढ़ोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा सोचोगे कि सर के वीडियो को एक बार देखेंगे और एक बार देख के समझ आ जाए तो बहुत मुश्किल है ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप एक चीज़ को कई बार देख सके ठीक है बार बार आप देख सके कई कई बार बच्चों को पूछते हुए शर्म भी आती है बेटा शर्मा जाते हैं कितने बच्चे ऐसे होते हैं तो उसके लिए भी ये कि आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए आपको समझ आता रहेगा और फिर भी समझ नहीं आता है आप मुझे फ़ोन पकड़िए कॉल करिए बोलिए सर बताइए समझाइए 25n+1 अब यहाँ ध्यान से देखिए इस खेल में क्या है 5 25 देखो 5 की जगह 5 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर n+1 5 5 ये आपका 2n+3 25 है आपका 5 का स्क्वायर ये 5 का पावर 2n 25 है हमारा 5 स्क्वायर n+1 अब आप ध्यान से देखेंगे ये 5 है हाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1 ये 1 है ठीक है और दूसरे वाले में क्या आएगा 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n मैं जल्दी नहीं करूँगा आराम से समझाऊँगा ताकि समझ आए आपको दोनों का बेस 5 है पावर ऐड हो जाएगा 2 + 2n नीचे दोनों का बेस 5 है पावर ऐड हो जाएगा 1 + 3 5 का पावर 4 + 2n ये ऐड नहीं होगा क्योंकि अनलाइक है 5 2n 5 बन जा और ये 2 1 = 2 अब ध्यान से देखो इन खेल को अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ऊपर हो गया 5 2n + 3 5 2n + 2 5 2n + 4 5 2n + 2 तो 5 to the power 2n इधर भी है 5 का पावर 2n इधर भी है 5 का पावर 2n इधर भी है 5 का पावर 2n क्या हो गया कॉमन तो अंदर क्या बचा 5 का पावर 3 5 का पावर 2 5 का पावर 2n कॉमन हो गया क्या बचा 5 का पावर 4
5 का पावर 2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। 5 का क्यूब कितना होता है हमारा, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर 25, 5 का पावर 4 कितना, 5 × 5 × 5 × 5, 625 माइनस 125 में से 25 गया 100, 625 में से 25 गया 600, आंसर आ गया 1/6। हमें इतना ही आता है पढ़ाना जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप देखते जाइए समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हम कोशिश अगली बार और सुधारने की अपने को करेंगे। तो ये 7th का हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 8th का सेकंड पार्ट हम लोग बहुत अलग अलग किताबों से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को बहुत बुक से करने की प्रैक्टिस मिले, बच्चा रटे ना और पढ़े। और जिसको पढ़ने की एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी वाला वीडियो देखे, हमारा बच्चा उसको पढ़ना ही कुछ नहीं है, पास ही होना है तो वही करे। 27/8 / 2/3, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 8 किसका होता है, 2 का क्यूब, 2/3। अभी देखिए नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, 4/1 नीचे स्क्वायर, एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 3 हमारा कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 1 प्लस 1, एलसीएम क्या आ गया इसका 4 9, 1/4 = 4, 64, 1/4 = 4, 4, 9 × 4 = 13, 64 में से 13 गया कितना आ गया माइनस 41/4, दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब हम आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 3² 0 प्लस 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर 6 प्लस 1/3 - 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 0 जा क्या आएगा, 2 0 जा 0, ये माइनस 4 को प्लस बनाना है, 1/3 = 4 इंटू 3 = 6। देखिए ये नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है, 3 ऊपर 1 नीचे स्क्वायर हो गया, एनीथिंग टू द पावर 0 1, 6 और 4 ये डिवाइड हो रहा है, पावर क्या हो रहा है डिवाइड, तो जब दोनों का बेस सेम हो डिवाइड हो रहा है तो 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, ये 3² आ जाएगा, ये भी 3² 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 9 और 9 18 1 19, ये 10th का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 10th का सेकंड पार्ट भी देखिए, 10th का सेकंड पार्ट है 9 5/2 - 3 5 to the power 0 1 81 - 1/2, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 5/2, एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 1, ये माइनस है प्लस बनाना है तो 81 ऊपर, अब ये क्या हो गया प्लस, 2 2 गेट कैंसिल, 3 का पावर 5 - 3, 81 का मतलब 9 का स्क्वायर 2 2 गेट कैंसिल, 3 3 9 9 27 27 81, ये कितना आ गया 243 को 5 बार मल्टीप्लाई करा, और 243 में से क्या करिए आप 12 माइनस कर लीजिए, तो कितना आंसर आ गया आपका 231। ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को करते चले जाइए। एक और क्वेश्चन 11th का फर्स्ट पार्ट, जो मुश्किल है क्वेश्चन वो मैं सारे कर रहा हूँ, जो बहुत इजी है जो उसी टाइप के क्वेश्चन है सेम टाइप के वो मैं छोड़ रहा हूँ। 2/2 - 1 3 का पावर 0 16 का मतलब हो गया 2 का पावर 4 3 का पावर 4, देखिए ध्यान से ये माइनस वन को प्लस बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर 3 to the power 0 1 4 4 get cancel 2 का क्यूब 8 2 2 = 4 8 + 4 कितना हो गया 12 8 + 4 कितना हो गया 12, ठीक है। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, 1.6 के आपके बुक में बहुत कम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है, आपको बहुत मदद मिल जाएगी अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो, आपने मतलब बहुत कुछ कर लिया। 81 3/4 1/32 - 2/5 प्लस 8 1/3 1/2 - 1 2 का पावर 0
ये एट है, क्या ये एट थ्री या पाँच फोर एट्टी सॉरी 81 है, 81 क्या हो गया, 3 का पावर 4, 3 अपॉन 4, 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5, ये 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 को कितना भी पावर लिख दो उससे 1 की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 का मतलब 2 क्यूब 1/3, ये -1 उल्टा कर दोगे +2 ऊपर 1 नीचे, 2 to the power 0 1 हो गया, 4 गेट कैंसिल 3 का क्यूब, 5 गेट कैंसिल, देखो 5 और 5 कैंसिल हो गया, लेकिन क्या है 2 का हाफ का पावर -2 रेसिप्रोकल कर दो क्या हो गया प्लस। ध्यान से सुनते जी ये जो मैं कह रहा हूँ, 3 गेट कैंसिल 2 into 2, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना आ गया 27। ऐसे करके इन क्वेश्चन को आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 12th वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। 64/125, ये बहुत अच्छी वाली बुक है ICSE की, ML अग्रवाल की बुक, बहुत बढ़िया वाली बुक है बेटा, ठीक है, ICSE क्लास 9th की बुक है, ठीक है। जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं मैं सब किताबों से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि बच्चा हर किताब को देख ले, हर किताब बच्चा खरीद नहीं सकता है, कुछ बच्चे खरीद भी सकते होंगे, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सारी किताब नहीं खरीद सकते, और हर किताब में जो जो चीज़ बढ़िया होती है, किस किताब में किसके लिए क्या बढ़िया है, अब हम टीचर हैं, हमारा काम है थोड़ा मेहनत बच्चों के लिए किया जाए, ठीक है। तो हर किताब से हम आपको बढ़िया बढ़िया ऐसी चीज़, हम लोग ने जो सीरीज़ बनाई है बहुत बढ़िया बनाई है, जो बच्चा हमसे पढ़ेगा पूरा सिस्टमेटिक तरह से हमारे पास, हमें सब्सक्राइब करेगा, सारे चैनल देखेगा, तो पक्का है कि उसके नंबर अच्छे आएंगे। अब यहाँ देखिए 64/125, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब है, 4/5 क्यूब -2/3, अभी 256 है 625, 5 के 4 है, 5 × 5 × 5 × 5 625, 256 4 है। अब यार ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अब आप इतने बड़े क्लास में पहुंच चुके हैं, इतनी हम प्रैक्टिस करा चुके हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 1, 3 से 3 कैंसिल, अब ये बचा 4/5 -2, ये डिवाइड है, क्या ये डिवाइड है, ठीक। अगर हम इसे मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर 4 से 4 कट गया, तो ये अगर हम डिवाइड को क्या बना देंगे, मल्टीप्लाई बना देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे बताइए, ठीक है। कन्फ्यूज अगर हो रहे हैं आप तो अभी फिलहाल डिवाइड ही रहने दो, अगर आप कन्फ्यूज होना ऐसे समझ लो 4/5, ठीक है, +1। अब यहाँ देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है आपने इसको, तो क्या करेंगे 5/4 का स्क्वायर, डिवाइड को डिवाइड रहने दो, ये 5 ऊपर 4 नीचे +1, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 4/5 नीचे +1, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 5/4 +1, LCM 4, 5+4 आंसर आ गया 9/4। दोबारा फिर समझाता हूँ मैं, ये क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान देखिए 4/5 का क्यूब, क्यूब कट कैंसिल, ठीक है, 1/4 4/5 का पावर 4 आएगा, 4 कट कैंसिल +1, हम लोगों ने इसको क्या करा 3 कैंसिल -2 बचा 4/5 -2, नीचे मैंने उसको उल्टा कर दिया 5/4 नीचे स्क्वायर हो गया, ये डिवाइड को डिवाइड रहने दिया 1/4/5 ऊपर 5 नीचे 4 डिवाइड ही रहने दिया, डिवाइड को फिर मैंने क्या चेंज किया मल्टीप्लाई, फिर क्या हो गया आपका 4/5 नीचे, सॉल्व किया आंसर निकल गया। ये 12th वाला पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 12th का सेकेंड पार्ट भी देखो, ये भी बढ़िया वाला है 12th का सेकेंड पार्ट, 5n+3 -6 × 5n+1/9 × 5n - 2² × 5n, केवल दिमाग ये लगाना है 5 का पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5 का पावर n क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ 5 का पावर 3, यहाँ क्या बचेगा 6, और 5 का पावर n तो कॉमन है, 5 का पावर 1 बच गया, ऐसे ध्यान से देखिए नीचे 5 का पावर n कॉमन है, क्या बचा है n 9 -5 का पावर n कॉमन है, क्या बचा है 2 का स्क्वायर,
ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। 5 का क्यूब 125, 6 5 जा 30, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, 125 में 30 गया 95, 95 को 5 से डिवाइड करा कितना आ गया आपका 19। ये 12th क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व कर दिया। अब मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, 13th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 13 के बाद वाला वीडियो हम नेक्स्ट मंथ बनाएंगे बेटा, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, औरों को बताते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।